स्मार्टफोन का एडिक्शन दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है, तो आइए उसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल एडोलेसेंट एज में बच्चों में 15 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 30 साल तक बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है, और अपने पेरेंट्स भी बच्चों को स्मार्टफोन फटाफट लेके देते हैं। स्मार्टफोन का एक स्टेटस सिंबल है कि मेरे पास में स्मार्टफोन है, कितने ज़्यादा कीमत का है और कितना ज़्यादा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और उसके बारे में उसका मतलब कीमत ठहरी जाती है कि भाई कितना अमीर है या कितना अच्छा बड़ा कितना व्यक्ति है तो स्मार्टफोन के बारे में, और वो लोग यूज़ करते रहते हैं। स्मार्टफोन का एडिक्शन अभी एक नया प्रॉब्लम हो रहा है एडिक्शन में, और माँ बाप को बहुत चिंता हो रही है, टीचर्स को बहुत चिंता हो रही है, ट्यूशन क्लासेस जो जिनके हैं उनको चिंता है कि रिजल्ट्स कैसे अफेक्ट करेंगे, अभी कितने अफेक्ट कर रहे हैं तो उनको चिंता है स्मार्टफोन के बारे में कि इसका करना क्या है। इसके जो लक्षण है कि स्मार्टफोन एडिक्शन के, वो ऐसे है कि भाई सुबह सुबह उठने के बाद में उसको मॉर्निंग में जैसा उठ गया तो उसको स्मार्टफोन हाथ में चाहिए, तो एक लक्षण है कि उसका एडिक्शन हो चुका है। फिर जब भी कभी उसको बोर्डम होता है और कुछ करने लायक कुछ भी नहीं ऐसा लगता है तो वो तुरंत हाथ में स्मार्टफोन ले लेगा, तो दूसरा लक्षण है कि बोर्डम और नथिंग टू डू, कुछ भी करने लायक नहीं है तो स्मार्टफोन ले लेंगे। तीसरा, स्मार्टफोन दिखा नहीं आसपास में या कुछ समय के लिए फ़ोन यदि कहीं चले जाता है तो बहुत एंग्शियस हो जाता है, बहुत ही एंग्शियस टेंस हो जाता है स्मार्ट जब दिखता नहीं तो। नेक्स्ट, लोग आजू बाजू के घर के लोग कंप्लेन करते हैं कि इसके हाथ में कंटिन्यू स्मार्टफोन रहता है और उससे वो खेलते जाता है, तो लोगों का कंप्लेंट है, और बहुत ज़्यादा टाइम स्मार्टफोन में बिताता है, दो दो तीन तीन घंटे। अभी जो नया गेम है पबजी, उसमें तो बहुत लोग उनका टाइम दे रहे हैं, बहुत बच्चे उनका टाइम उसमें दे रहे हैं और उसका एडिक्शन लग चुका है। वो पबजी गेम का एडिक्शन है और वो स्मार्टफोन का भी एडिक्शन है। ये जो इसका ओवर यूज़ है स्मार्टफोन का, ये एडोलेसेंट एज में मतलब 15 से लेके 30 तक बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और इसमें व्हाट्सएप से लोग आवागमन करते हैं मैसेजेस का, और ग्रुप में चलो रहता है चिट चैटिंग, तो वो व्हाट्सएप वापरना, फिर यूट्यूब और इंटरनेट के ऊपर अलग अलग वीडियोस देखना, नेक्स्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग करना, ऑनलाइन गेमिंग करना, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी करना, फेसबुक, उसके ऊपर फिर फेसबुक का स्टेटस कितने लाइक्स आ गए, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तो वो बार बार वो देखना, लोगों को एक एडिक्शन हो चुका है कि मैंने कुछ पोस्ट डाली तो कितने लोगों को लाइक हो गई, मैंने कोई पिक्चर डाली तो कितने लोगों ने उसके ऊपर लाइक किया, ऐसा उनको मतलब वो अधीर हो जाते हैं कि नहीं तुरंत देखना ही पड़ता है कि अभी कितने लाइक आ गए, और वो सब उसका डोपामिन लेवल जो है या सेरोटोनिन लेवल जो है वो दिमाग में उससे बढ़ जाता है। जब सेरोटोनिन डोपामिन लेवल बढ़ते हैं दिमाग में तो उसको अच्छा लगता है, ये जो फील गुड जो केमिकल्स है, फील गुड केमिकल्स, उस समय वो बढ़ जाते, वो बढ़ते गए, फिर वो बार 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 वही करने की इच्छा होती है, एडिक्शन हो जाता है। अब इसका इलाज कैसे करना? इसका इलाज करने के लिए एक है कि नई अच्छी प्रोडक्टिव हैबिट डालनी पड़ेगी, कुछ तो भी नई हैबिट डालनी पड़ेगी स्मार्टफोन के बदले, नंबर एक। नंबर दो, कि स्मार्टफोन क्यों गिव अप करना, उसका एडिक्शन क्यों निकालना, उसके लिए कोई तो भी बड़ा कारण तैयार करना कि नहीं मुझे ये करना है, मेरा ये पर्पज़ है और वो पर्पज़ करना है मुझे, वो हासिल करना है, इसलिए भी मैं ये गिव अप कर रहा हूँ, स्मार्टफोन बंद कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है। तीसरा, अलार्म क्लॉक यूज़ करो, मतलब अलार्म्स के लिए या कैलेंडर के अलार्म्स है या उठने का है तो उसके लिए स्मार्टफोन मत वापरो, उसका वो काम नहीं है, तो वो आप अलग रखेंगे तो वो आप ही आप दूर हो जाएंगे। और हरदम स्मार्टफोन आपसे 10 फीट दूर रखो, हाथ में रखना ही नहीं स्मार्टफोन। तो इस तरह से अलग अलग नुस्खे हैं कि जिससे स्मार्टफोन का एडिक्शन ठीक हो सकता है। कुछ लोगों ने कुछ दवाइयों का वापर किया हुआ है, लाइक SSRI जो है, तो फ्लॉक्सेटिन टाइप, तो वो वापरी हुई है। कुछ लोगों ने क्यूटीपिन जो है वो दवाई का वापर किया है, कुछ लोगों ने सिटालोप्राम का वापर किया हुआ है और उसमें रिजल्ट्स पाए हुए हैं। तो यह स्मार्टफोन का एडिक्शन, आपके बच्चों को एडिक्शन यदि होगा और वो आप ठीक नहीं करते हैं तो आगे चल के क्या होगा पता ही नहीं है। दो दो तीन तीन चार चार घंटे लोग उसमें बिताते हैं, और दिन के 4 घंटे स्मार्टफोन में डालना और उसके ऊपर गैम्बलिंग करो, गेमिंग करो, पोर्नोग्राफी देखो, और रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक उसमें लोग खेलते रहते हैं,
तो वो यदि आपका बच्चा करता है तो पहले उसके ऊपर नज़र रख के वो बंद करना जरूरी है, उसका एडिक्शन ठीक करना जरूरी है, नहीं तो उसकी लाइफ तबाह हो सकती है। तो ये हमारा जो मिशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो को लोगों को शेयर करो, लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करो ये वीडियो शेयर करके। हमारा मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आप ऑनलाइन हमें कंसल्टेशन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए वहाँ कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर लोगों को हमारे यहाँ डायरेक्ट लोग लेके आते हैं पेशेंट लोगों को, और रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा दोनों भी कंडीशन में हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।